जुबानी जंग के बाद उद्धव और फडणवीस के लिए आज इम्तिहान का दिन। आज बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग। दो दशक में पहली बार बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ रही है चुनाव। उद्धव के साथ फडणवीस की प्रतिष्ठा दांव पर। 227 सीटों के लिए 2275 उम्मीदवार मैदान में। सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा मतदान। बीएमसी के साथ ठाणे, पुणे, नासिक समेत 10 महानगर पालिकाओं के लिए भी होगा मतदान। 23 फरवरी को आएंगे नतीजे। रामदास अठावले का बयान, बीएमसी चुनाव में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला तो बीजेपी और शिवसेना को फिर साथ लाने के लिए मनाएंगे। महाराष्ट्र में 11 जिला परिषदों और 118 पंचायत समितियों के लिए भी मतदान आज। निकाय चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर किया गया सील। 50 असंवेदनशील बूथ पर हेलीकॉप्टर से भेजी गई इलेक्शन टीमें। गढ़चिरौली में माओवादियों ने चिपकाए धमकी भरे इश्तेहार। अहेरी, एटापल्ली, सिरोंचा में निकाय चुनाव का बहिष्कार करने के लिए कहा। सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मोहन भागवत आज नागपुर में करेंगे मतदान। सुरक्षित मतदान कराने के मद्देनजर महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक 371 लोगों को तड़ी पारस किया। करीब 76 लाख कैश और 7 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की। यूपी के सियासी समर में आज इलाहाबाद में महासंग्राम, राहुल अखिलेश और अमित शाह करेंगे रोड शो। इलाहाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साझा रोड शो। करीब दोपहर 1 बजे आनंद भवन से शुरू होकर सिविल लाइन रेलवे स्टेशन होते हुए गोल पार्क तक जाएगा। इलाहाबाद में रोड शो से पहले राहुल गांधी रायबरेली में आज करेंगे रैली। सुबह 11:30 बजे जनता से होंगे मुखातिब। इलाहाबाद में आज अमित शाह रैली के बाद अल्लापुर में करेंगे रोड शो। दोपहर 12 बजे पानी की टंकी से होगी रोड शो की शुरुआत। शाम को जाएंगे वाराणसी। प्रतापगढ़ में आज सीएम अखिलेश यादव करेंगे सभा। सुबह 10:30 बजे रैली में पहुंचेंगे। आज रायबरेली में रोड शो करेंगे आरजेडी अध्यक्ष लाल प्रसाद यादव। बाद में सलोन में करेंगे रैली। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए मांगेंगे वोट। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज होगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रैली। शाम 5:30 बजे तय है रैली का वक्त। प्रतापगढ़ में गृहमंत्री राजनाथ सिंह की रैली। आज पट्टी विधानसभा क्षेत्र में होगी सभा। सीएम अखिलेश की पत्नी और सांसद डिंपल यादव रानीगंज में करेंगे रैली। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चौथे चरण का प्रचार अभियान। 23 फरवरी को होगी वोटिंग। चौथे चरण में यूपी के 12 जिलों की 53 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और बुंदेलखंड की तमाम चर्चित सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गुजरात सरकार के गधों के विज्ञापन पर अखिलेश की अमिताभ को सलाह। कहा, गधों का प्रचार बंद करें महानायक। अमिताभ गुजरात पर्यटन के हैं एम्बेसडर। अखिलेश यादव, ये महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। रमजान और होली में बिजली वाले पर बयान पर पीएम को अखिलेश ने दी चुनौती। बोले, गंगा की कसम खाकर बोले, काशी में 24 घंटे बिजली है या नहीं। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर मुद्दों की राजनीति करने का लगाया आरोप। कब्रिस्तान और शमशान वाले बयान का दिया हवाला। यूपी में नेताओं की बदजुबानी जारी। चित्रकूट में अमित शाह ने प्रजापति के प्रचार पर अखिलेश को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की नसीहत दी। संत कबीर नगर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने राहुल को यूपी के लिए बताया अपशगुन। लालू यादव ने पीएम मोदी को एक बार फिर तानाशाह बताते हुए लगाए गंभीर आरोप। बोले, पीएम मोदी सांप्रदायिक तनाव भड़काकर देश के लिए कर देंगे टुकड़े। इस तरह का प्रधानमंत्री देश को दुर्भाग्य इस देश का कि देश को इस तरह का प्रधानमंत्री। अमेठी में गायत्री प्रजापति के साथ मन साझा करने से बचे मुख्यमंत्री अखिलेश पर बिना नाम दिए गायत्री के लिए मांगा वोट। रेप के आरोप में फंसे गायत्री प्रजापति की नौटंकी। अमेठी में प्रचार के दौरान मंच पर निकले आंसू। कहा, यह है अमित शाह मोदी की साजिश। बांदा की रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मधुमक्खी ने किया परेशान। भाषण बीच में रुका। एसपीजी कमांडोज ने मधुमक्खी को जैसे तैसे दूर भगाया। इलाहाबाद में राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना। बोले, पीएम काम के बोझ तले दबे, उन्हें उत्तर प्रदेश से फ्री करने की जरूरत। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, उत्तर प्रदेश से फ्री करने के बाद दिल्ली से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उन्हें करेगा फ्री। चुनावी जीत के लिए बाहुबलियों ने लगाया जोर। कुंडा विधानसभा सीट पर 1993 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। रायबरेली के बाहुबली नेता अखिलेश प्रताप सिंह की बेटी आरती सिंह भी चुनावी जीत के लिए लगा रही हैं जोर। कांग्रेस की हैं उम्मीदवार।
सुप्रीम कोर्ट में आज बलात्कार के आरोपी एसपी उम्मीदवार गायत्री प्रजापति की याचिका पर सुनवाई। प्रजापति ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पुलिस ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ दर्ज किया है एक महिला और उसकी बेटी से बलात्कार का मुकदमा। तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दो एनजीओ के खाते सीज करने से जुड़ा है मामला। तमिलनाडु में हुए शक्ति परीक्षण मामले की आज मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई। डीएमके ने दी है याचिका। डीएमके तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल के खिलाफ जल्द अविश्वास प्रस्ताव लाने के संकेत दिए। स्टालिन ने 23 फरवरी को राष्ट्रपति से मुलाकात का मांगा वक्त। तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीर सेल्वम के सरकारी आवास पर लगी नेम प्लेट की चर्चा। नेम प्लेट पर बहुत दिनों से चिपकाए गए थे। पनीर सेल्वम के मुख्यमंत्री रहते हुए भी नेम प्लेट पर वित्त मंत्री दर्ज था, तभी से पदभार वाले हिस्से पर चिपकी है थे। एआईएडीएमके के उप महासचिव और शशिकला के भतीजे दीनाकरन ने जेल में शशिकला से की मुलाकात। कर्नाटक की जेल में बंद है शशिकला। सुब्रमण्यम स्वामी ने एयरसेल मैक्सिस डील में पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को बताया मुख्य आरोपी। कार्रवाई की मांग की। सुब्रमण्यम के आरोपों को किया खारिज। बोले साख खराब करने के लिए लगाए जा रहे हैं अनर्गल आरोप। पश्चिम बंगाल से जनवरी में जियारत के लिए इराक गए दो लड़कों को आईएसआईएस में शामिल होने की खबर। ग्रुप का साथ छोड़कर हुए लापता। इराकी दूतावास ने दोनों लड़कों से आईएसआईएस से जुड़ने पर लगाई मोहर। साथ ही मुंबई के रहने वाले टूर ऑपरेटर अब्दुल कदीर का जब्त किया पासपोर्ट। आज कारगिल समेत कश्मीर में एवलांच की चेतावनी। कुपवाड़ा बांदीपुरा को भी किया गया सावधान। हिमाचल में भी हिमस्खलन की आशंका। लाहौल स्पीति जिले में। शिमला में मौसम ने फिर बदली करवट। बारिश के साथ गिरे ओले। ओडिशा में पंचायत चुनाव में बीजेडी पर मतदाताओं को पैसा बांटने का लगा आरोप। सुंदरगढ़ जिले में रैली के दौरान कैमरे में कैद हुई तस्वीर। कोटा के महावीर नगर में चालान कटने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। बीजेपी विधायक के पति ने इंस्पेक्टर को मारा थप्पड़। मलयालम अभिनेत्री भावना संघ हुई छेड़खानी को केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने गंभीरता से लिया। हर संभव सुरक्षा का दिया भरोसा। भावना संघ हुई वारदात पर शत्रुघ्न सिन्हा ने किया सवाल। बॉलीवुड ने आखिर इस पर क्या किया। भावना के समर्थन में आगे आई बॉलीवुड की यंग ब्रिगेड। अभिनेता वरुण धवन ने सरकार से भावना की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। अभिनेता अर्जुन कपूर ने देश में महिला सुरक्षा का उठाया मुद्दा। भावना संघ हुई वारदात को बताया बेहद शर्मनाक। तमिल अभिनेत्री वरलक्ष्मी शरद कुमार ने महिला सुरक्षा को बताया मजाक। खुद के कास्टिंग काउच के शिकार होने की दी जानकारी। एक्ट्रेस लीला लक्ष्मी के मुताबिक मशहूर टीवी चैनल के एग्जीक्यूटिव हेड ने काम के बदले दिया था भत्ता ऑफर। बेंगलुरु में एक एयर होस्टेस से सरेआम छेड़खानी और मारपीट का भी उठा मुद्दा। 12 फरवरी को हुई घटना में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। अपने दोस्त के साथ घर के बाहर टहल रही थी एयर होस्टेस, तभी हेलमेट पहने एक बाइक सवार ने उसका टॉप फोड़ फाड़ते हुए की थी मारपीट। कर्नाटक के कोरी जेनहाली में बुखार पीड़ित लड़की ने सरकारी अस्पताल में तोड़ा दम। डॉक्टर की गैर मौजूदगी से इलाज नहीं मिलने का आरोप। परिजनों का कोरी जेनहाली सरकारी अस्पताल पर और भी गंभीर आरोप। एम्बुलेंस के अभाव में स्कूटी पर लाना पड़ा मृतक लड़की का शव। दिल्ली के रोहिणी इलाके में 5 और 9 साल की दो मासूम बच्चियों से बलात्कार। मासूमों को लहूलुहान छोड़कर फरार हो गए थे आरोपी। रोहिणी में मासूमों से रेप के दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, एक बालिग दूसरा नाबालिग। बेंगलुरु के बेलंदूर में एक नर्सरी स्कूल में 3.5 साल के मासूम से यौन उत्पीड़न। पुलिस ने आरोपी और प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सीलमपुर इलाके से भारी मात्रा में देसी पिस्तौल बरामद की। मोहम्मद अरशद नाम का शख्स गिरफ्तार। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने शादियों में चोरी करने वाले एक बड़े गैंग का किया पर्दाफाश। गिरफ्त में आए चोरों ने दर्जनों चोरियों का किया कबूलनामा। दिल्ली में फिर नकली वकील गिरफ्तार। संगम विहार पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में संजय आर्य को किया अरेस्ट। दिल्ली के मालवीय नगर में सरकारी अस्पताल के टॉयलेट में मिला 5 मार्च का भू, सूचना पर पहुंची पुलिस। फरीदाबाद की निमका जेल में सोमवार को कैदियों के 2 गुट भिड़े, 6 कैदी घायल। गुड़गांव पुलिस ने प्रॉफिट नेटवर्किंग कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 5,000 लोगों से 8 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ ने 96,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए, सभी 2,000 के जाली नोट। दिल्ली के हौस खास विलेज में लिफ्ट देने के बहाने एक महिला से रेप, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली में शादियों में मेहमान बनकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के शाहदरा से लापता नाबालिग लड़कियां हरिद्वार में एक होटल से बरामद, पुलिस ने परिजनों को दी जानकारी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में शाम पार्क से बच्चा चुराते पकड़ा गया एक शख्स, लोगों ने पुलिस को सौंपा। रामपुर में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में। होशंगाबाद में दलित छात्रावास में सिलेंडर फटने से अफरा तफरी। हॉस्टल में मौजूद सभी 35 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के सीधी में 11वीं की छात्रा से आशिकी करने पर परिजनों ने घर में घुसकर टीचर की काटी नाक,
आरोपी ने भागकर थाने में बचाई जान। अलवर में कलयुगी पिता ने बेटी का 7 लाख में किया सौदा, ग्रामीणों की मदद से लड़की को बचाया गया। बैतूल में एक साथ 3 अजगर सांप दिखने से हड़कंप, वन विभाग के लोगों ने कब्जे में कर जंगल में छोड़ा। सवाई माधोपुर में करीब 1 महीने पहले कोर्ट परिसर में युवक पर हुई फायरिंग में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। हरियाणा के रेवाड़ी में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 2 मजदूरों की मौत, कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। मैनपुरी में चुनावी रंजिश में दलित युवक की हत्या, परिजनों का आरोप, डीएसपी को वोट देने पर गांव के दबंग ने मारी गोली। बिहार के गया में सड़क हादसे पर बवाल, गुस्साए लोगों ने कार में लगाई आग। अहमदाबाद के बापू नगर में मंचले पुलिस वाले की महिला ने बीच सड़क जमकर की धुनाई, लोगों ने मोबाइल में बनाया वीडियो। रायपुर में पुलिस ने साइको किलर को बनाया सेलिब्रिटी, पुलिस रिमांड में ले जाते वक्त खिंचवाई सेल्फी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में निजी नर्सिंग होम में हीटर से लगी आग से जिंदा जली महिला मरीज, पुलिस ने दर्ज किया मामला। गोल ब्लैडर के पथरी के इलाज के लिए भर्ती हुई थी महिला, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक कारोबारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 2 लाख की लूट, 2 लुटेरे भीड़ के हत्थे चढ़े, एक कैश लेकर भागने में कामयाब। गुड़गांव के द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन पर एक युवती ने मेट्रो के आगे लगाई छलांग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अंडर-19 वर्ल्ड कप क्रिकेटर हरमीत सिंह को मिली जमानत, मुंबई के अंधेरी में प्लेटफॉर्म पर कार चलाने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। जग्गा जासूस को की फिर बदल सकती है रिलीज डेट, निर्देशक अनुराग बसु नहीं चाहते छात्रों की परीक्षा वाले दिनों में फिल्म की रिलीज। 7 अप्रैल को रिलीज होनी थी जग्गा जासूस, इससे पहले सरकार से टकराव को देखते हुए बदली गई थी तारीख। फिल्म में कैटरीना रणबीर कपूर की जोड़ी। सोशल मीडिया में वायरल हुई अभिनेत्री फरीदा जलाल की मौत की झूठी खबर, पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है फरीदा। मनीषा कोराला ने बच्चा गोद लिया, संजय दत्त पर बन रही बायोपिक में मनीषा नरगिस की निभा रही है भूमिका। आयुष्मान खुराना की बरेली की बर्फी, शुभ मंगल और मेरी प्यारी बिंदु जैसी फिल्में फ्लोर पर, इस बीच तब्बू के साथ श्री राम राघवन की भी फिल्म आएंगी।